सोलन पुलिस लगातार शहर में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपना पसीना बहा रही है। कोरोना काल में भी सोलन पुलिस दिन रात एक कर शहरवासियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने देना चाहती है। कुछ दिनों से सोलन शहरवासी वाहनों के अधिक चलान से परेशान थे, लेकिन अब सोलन के एएसपी अशोक वर्मा ने कोरोना काल में शहरवासियों को थोड़ी ढील देने का फैसला किया है। अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहां ज्यादा आवश्यकता हो वहीं चलान किया जाए और छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए। इस फैसले से जनता बेहद खुश नजर आ रही है। सोलन के एएसपी अशोक वर्मा ने बताया कि उनके उच्च अधिकारी डीजीपी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना काल में सख्ती कम बरती जाए, इसलिए उनके आदेशों को अमल में लाकर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ये आदेश जारी किए हैं कि इस संकट में शहर में जनता से सख्ती ज्यादा ना बरती जाए। अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है उसे चेतावनी देकर छोड़ा जाए, और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सोलन की जनता से भी आग्रह किया कि वे कानून का सम्मान करें और जानबूझकर नियम ना तोड़ें। इस बयान पे जो डीजीपी साहब का जो बयान है, इसके बारे में हमने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो पुलिस स्टाफ है और ट्रैफिक स्टाफ है, इनको अवगत करवा दिया है कि अनावश्यक रूप से जो है चलानिंग ना की जाए। और फिर भी इसके बावजूद भी अगर कोई वाहनों की उसकी मोटर वाहन अधिनियम की अवहेलना करता है तो उनको एक बार समझाया जाए, अगर नहीं मानते तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कोशिश यही रहती है कि हम काउंसलिंग करें और ताकि उनके खिलाफ हमें एक्शन ना लेना पड़े। अगर फिर भी उसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले भी रहे हैं और भविष्य में भी एक्शन लेंगे। जनता से हम यही संदेश साझा करना चाहेंगे कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, शराब पी के अपने वाहन ना चलाएं और अपने वाहनों को जो है जो पार्किंग स्लॉट नहीं है वहाँ पे पार्क ना करें।